हे व्हाट्सअप गाइस, जैसे पर प्रतीक है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो हम लोग करने वाले हैं लाइटरूम फोटो एडिटिंग, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि भाई आप अपनी फोटो को किस ऐप से एडिट करते हो या कैसे एडिट करते हो। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है, तो वीडियो पूरी एंड तक देखना, और वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम आओ तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्ट। सो गाइस, देख सकते हो कि मैंने अपने फोटो को लाइटरूम में इंपोर्ट कर लिया है, और यहाँ पे ये जो सेटिंग्स हैं इन्हीं का यूज़ करके हम फोटो को एडिट करने वाले हैं। सबसे पहला जो सेटिंग्स है यहाँ पे लाइट्स का है, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो जो हमारा एक्सपोजर है यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, एंड जो कॉन्ट्रास्ट में कुछ नहीं करने वाले हम, एंड ये हाईलाइट्स को थोड़ा सा हम लोग डिक्रीज़ करेंगे, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा डार्क टोन चाहिए, यहाँ पे अराउंड 25 के पास रख देंगे। वन मोर थिंग, यार आपको अपनी फ़ोटो एडिट करने से पहले आपको पता ज़रूर होना चाहिए कि मेरे को अपनी फ़ोटो में किस टाइप के टोन्स ऐड करने हैं। इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ईजिली होता है कि आपको फ़ोटो एडिट करने में, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो उसके बाद हम शेडोज़ को इंक्रीज़ करेंगे थोड़ा सा, अराउंड 25, ठीक है, एंड वाइट्स एंड ब्लैक्स में कुछ नहीं करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कलर के ऑप्शन पे आ जाना है, एंड उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि कलर के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे जो टेम्परेचर एंड टिंट है, टेम्परेचर को थोड़ा सा हम लोग निगेटिव की तरफ लेके जाएंगे, एंड जो टिंट है इसको इंक्रीज़ करेंगे अराउंड 15, ठीक है, दैट्स इट। एंड वाइब्रेंस को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, दैट्स इट। सैचुरेशन में कुछ नहीं करने वाले हम लोग, एंड उसके बाद यहाँ पे मिक्स के ऑप्शन पे आ जाना है। मिक्स के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहला जो ऑप्शन, ये काफ़ी ढेर सारे कलर्स हैं, एंड यहाँ से आपको फोटोज़ पे जो जितने भी कलर्स हैं वो चेंज होते हैं, आप जैसे भी सेटिंग्स आप रखने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो रेड को मैं थोड़ा सा जो ह्यू है इसको डिक्रीज़ करने वाला हूँ, जितना भी आपको रखना है अपनी फ़ोटो के अकॉर्डिंग आप उतना रख सकते हो। तो ये 40, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास, और सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे यहाँ पे 720, एंड ल्यूमिनेंस को भी इंक्रीज़ करेंगे हम लोग, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे अपने ऑरेंज वाले ऑप्शन पे आ जाना है, एंड ऑरेंज वाले ऑप्शन के बाद इसका भी ह्यू मैं देख लेता हूँ किधर चाहिए, इसको हम लोग इंक्रीज़ करेंगे थोड़ा सा, आई मीन 14-15 आपको जितना भी रखना उतना रख लेना, एंड उसके बाद सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, एंड ल्यूमिनेंस को भी इंक्रीज़ करेंगे यहाँ पे, दैट्स इट। उसके बाद आपको यहाँ पे येलो वाले ऑप्शन पे आ जाना है, एंड यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे को मूडी ऑरेंज टाइप का फील चाहिए यहाँ पे अपनी फ़ोटो पे, तो यहाँ पे इसको देख सकता हूँ कि किधर से मेरे को मिलेगा। यहाँ पे इसका ह्यू मैं निगेटिव में पूरा ला के देख रहा हूँ, तो ये देख सकते हो यहाँ पे जो इसका ग्रास है वो चेंज हो रहा है, थोड़ा सा ऑरेंज या येलो इस टाइप में हो रहा है। इसका सेचुरेशन इधर नहीं हम लोग इंक्रीज ही करेंगे, इसको भी 100 रख देते हैं हम लोग। तो देख सकते हो फोटो में काफ़ी चेंज आ चुका है यहाँ पे, एंड अभी काफ़ी कुछ करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन के ऑप्शन पे आ जाना है आपको, एंड इसका ह्यू मैं देख लेता हूँ, ऑफकोर्स मेरे को ऑरेंज फील चाहिए यहाँ पे, तो इधर रख के रहूँगा, और सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे हम लोग। तो देख सकते हो हमारा जो पीछे ये ग्रीन कलर का जो ग्रास था, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है यहाँ पे, फोटो हमारी अच्छी लगने लगी यहाँ पे। एंड ल्यूमिनेंस को हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक्वा ब्लू में आ जाना है आपको, एक्वा ब्लू में यार हम लोग यहाँ पे इसका सैचुरेशन थोड़ा सा निगेटिव की तरफ लेके जाएंगे, अराउंड 40 के आसपास। एंड यहाँ पे जो ब्लू का ऑप्शन आ जाता है यार, यहाँ से हम लोग का स्काई काफ़ी ज़्यादा चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो ह्यू है, अगर इधर लेके जा रहा हूँ पॉजिटिव में तो ठीक है उतना फील नहीं दे रहा है, बट इधर लेकर आ रहा हूँ देखो स्काई काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है, देख सकते हो आप लोग। तो अराउंड इसको मैं रख देता हूँ 40 के आसपास, ठीक है, दैट्स इट। अब उसके बाद यहाँ पे सैचुरेशन को हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं कि इधर डिक्रीज करने पे क्या होगा, तो इधर थोड़ा सा निगेटिव के पास रखेंगे अराउंड 30 के आसपास, दैट्स इट। अब उसके बाद यहाँ पे जो हमारा वॉयलेट है, उसके बाद इसको हम थोड़ा सा सैचुरेशन डिक्रीज़ करेंगे, पर्पल में कुछ नहीं करते क्योंकि हमारे फ़ोटो में पर्पल का कुछ सीन ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको बगल में कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ पे आ जाना है, एंड यहाँ पे देख सकते हो शेडोज़ का जो ह्यू है वो आपको इंक्रीज़ करना है। देखते हैं कितना इंक्रीज़ करने पे कैसे कलर्स चेंज हो रहे हैं हमारी फ़ोटो पे। और यहाँ पे देख सकते हो यार कि ये अराउंड 200 पे लाने के बाद काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया हमारा फ़ोटो पे, एंड सैचुरेशन भी इंक्रीज़ करेंगे, दैट्स इट। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है मिड टोन्स में, मिड टोन्स में आने के बाद इसका ह्यू जो है थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज़ करते हैं, दैट्स इट, सैचुरेशन 10। उसके बाद आ जाना है आपको हाइलाइट्स में, हाइलाइट्स का हम यहाँ पे ह्यू को रखते हैं, देखते हैं, सैचुरेशन को भी इंक्रीज़ करेंगे हम लोग, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा कमाल की लग रही है हमारी फ़ोटो, वो
अब यहाँ पे डन कर देना। उसके बाद अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है इफेक्ट्स का। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे जो विग्नेट है इसको चेंज करने से होता क्या यार, अब देख सकते हो कि फोटो की बॉर्डर पे इधर अगर इंक्रीज़ करोगे तो यहाँ पे वाइट सा बॉर्डर आ जाएगा, बट यहाँ पे डिक्रीज़ करोगे तो ये देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा कमाल की लग रही है हमारी फ़ोटो यहाँ पे। एंड यस ये 50 के आसपास इसको रख देना आपको, बस फाइनल एडिट होने वाला है यहाँ पे। यहाँ पे शार्पनिंग को थोड़ा सा हम लोग बढ़ा देंगे डिटेल्स में आने के बाद, अराउंड 25-30 के पास सब लोग को रख देना है। एंड यहाँ दैट्स इट, मास्किंग को थोड़ा सा बढ़ा देना है। रिएक्शन को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे हम पास, दैट्स इट। एंड नाउ यहाँ पे हमारी फ़ोटो फाइनली एडिट हो चुकी है यार। यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो फ़ोटो पहले थी वो ऐसे थी, सिंपल सा लग रही थी। एंड नाउ देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग कलर आ गए हैं हमारी फ़ोटो पे, आप लोग देख सकते हो। तो आज की वीडियो में यार हम लोग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, थैंक यू सो मच।